नेमनेस गुलाब सिंह। दिन और तारीख की जरूरत नहीं, अब हम अमर अनंत की कहानी कहने चले हैं। तब एक दिन और एक ही तारीख पकड़कर क्यों चले। उसके घर में पिता थे, माँ थी, बहन थी, वह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल रोक दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी सी बहन से ना सहा गया। बहन का जी न माना, वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिलाने चली भैया को। यह बात और है कि उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह खिला ही चुकी थी। अपने भैया के थोड़े से भी संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा सहने को तैयार थी, पर भाई ने भी वह गुड़ चने की बात किसी को ना बताई, और बहन बताती ही क्यों। खैर, किसी तरह रोग बढ़ते बढ़ते खत्म हो गया। रोग गया और बहन के प्रेम की वह बात सदा के लिए भाई के मन पर छप गई। ऐसी एक नहीं, अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों में आंसू और मन के रंग उसके अंतस पर छपी तस्वीरों को न धो सके, न धुंधला सके। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए मनों में भी नई जान आ गई। एक हवा ऐसी होती है जो मुरझाए हुए पौधों में ताजगी ला देती है, और एक हवा ऐसी होती है जो मुर्दा मन मनुष्यों में नई उमंग भर देती है। यह उमंगों वाली हवा थी। भारी जुलूस निकला, कौमी झंडे का जुलूस था वह, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले, झंडा ना निकले। शहर में आतंक छा गया, बड़ा जालिम था वह बादशाह। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा, भाई से बहन ने कहा। बहन क्या कहती है, उसने सुन लिया। बहन फिर बोली, कौन है ये बादशाह। भैया ने कहा, ओह होगा कोई। फिर पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। भाई कटुता के स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। उत्तर था, तो जुलूस निकले, झंडा निकले। यह उत्तर था या निश्चय। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ कर झंडे का कपड़ा बना दिया। भाई ने अपने खेलने के डंडे में उसे बांधा। रंग भी लाल पीले चढ़ गए। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई, कहाँ जाते हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन का आग्रह था। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया। नहीं भाई, जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, मैं जुलूस बनाकर चलूंगी पीछे पीछे। नहीं रानी, तुम जुलूस में नहीं, तुम एक काम करो, मुझे रोली का तिलक और अक्षत देकर विदा करो, जैसे कोई राजकुमारी राजकुमार भाई को विदा करती है। राजकुमारी? हाँ, राजकुमारी। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली दी और दौड़कर एक थाली में थोड़े से चावल सजा लाई, एक दिया भी जलाकर रख लाई। भाई की आरती उतारनी थी। बहन को आरती उतारना बहुत भाता था। मुंह के आसपास घुमाती हुई थाली के दियों की लोएं चांद सूरज सा प्रभा मंडल बना देती हैं। देवताओं के मुंह के आसपास उसने चित्रों में प्रभा मंडल देखा था, वैसा ही गोल गोल उजाले का घेरा वे अपने भाई के मुंह के आसपास चमकता हुआ देखना चाहती थी। बहन ने मुस्कुराते हुए पर गंभीरता से भाई के माथे पर रोली का तिलक लगाया, चावल बिखराए, आरती की और पान का बीड़ा खाने को दिया। वह छोटा सा बीड़ा बनाकर भी ले आई थी। पगली ने सुन रखा था कि राजकुमारियां वीर की विदाई पर पान का बीड़ा भी देती हैं। भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरे और बलैया ली। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारियां इसी तरह विदा करती थीं और देखती खड़ी रह जाती थीं। दूर तक भाई के लहराते हुए झंडे को जाते हुए
देखती रही वह। बहुत दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह ना रुका, नहीं रुका और बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा उसके हाथ में था। गोलियां चल जाने पर किसकी हिम्मत कि सड़क पर जाता और घायल को संभालता, पर बहन ने उसको गिरते देख लिया था। न जाने क्यों उसका दिल पहले से ही कुछ धक धक कर रहा था। वह दौड़ पड़ी, अकेली दौड़ती हुई जा पहुंची। भाई खून से लथपथ पड़ा था, पुकारा, भैया! भाई के प्राण मानो अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े, बोला, तू आई, यह झंडा ले। बहन ने झंडा ले लिया, पर भाई चला गया। बहन रोई, पर झंडा हाथ में लिए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। अब बहुत से लोग आए, अर्थी उठी। आगे भाई की बहन वही झंडा लिए चल रही थी। बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा, पर जुलूस निकला, झंडा भी निकला। यह कहानी कहाँ की है, किसकी है, हम क्या बताएं? यह फ्रांस की राज्य क्रांति की हो सकती है, यह रूस की राज्य क्रांति की हो सकती है, यह हिंदुस्तान की सन 42 की क्रांति भी हो सकती है, क्योंकि यह घटना चिरंतन है, अनंत है। यह जैसे पेरिस में, मॉस्को में, वैसे जबलपुर में हो सकती है। जबलपुर में? तो क्या उस वीर बालक का नाम था गुलाब सिंह? हो सकता है।